रुद्रप्रयाग में जिला प्रशासन लगता है कोई किसी बड़ी अनहोनी के होने का इंतजार कर रहा है। दरअसल चीन युद्ध से भी पहले बने इस बेलनी पुल में अभी तक वाहनों की आवाजाही लगातार चल रही है। कई बार कहने के बावजूद भी प्रशासन का इस पर कोई ध्यान नहीं गया। लोक निर्माण विभाग की माने तो पुल की हालत जर्जर हो चुकी है और मेंटेनेंस के अभाव में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सामान्य तौर पर हम इसको 40-50 ईयर्स तो मान सकते हैं। हाँ, अनुरक्षण की अगर क्वालिटी सही रही, समय समय पर इसकी पेंटिंग होती रही तो उसकी लाइफ को और बढ़ाया जा सकता है। प्रिकॉशन के तौर पे NH ने वहाँ पे एक समय में एक ही वाहन जिसकी अधिकतम वहन क्षमता 16.5 टन से ज़्यादा ना हो वो गार्ड लगा रखा है। अगर उसका पालन किया जाए तो मेरे समझ से पुल को नुकसान नहीं होना चाहिए। लाख कोशिशों के बावजूद भी प्रशासन बेलनी पुल को लेकर आंखें मूंदे हुए है। ऐसे में शासन की नजर इस पर कब पड़ेगी, ये एक बड़ा सवाल है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रुद्रप्रयाग से भूपेंद्र की रिपोर्ट।